किसान नेता वीएम सिंह जी हैं और आज हम उनसे बात करेंगे किसानों के लगातार हो रही समस्याओं को लेकर। आखिर किसान इतना क्यों परेशान है? सर आपका एटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर धान खरीद का समय चल रहा है, सरकार ने धान खरीदने की नीति बनाई थी, धान नीति बनाई थी जिसमें कि किसानों के लिए न्यूनतम रेट 1700 रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद धान किसानों का 1200 1300 या 1400 में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे किसानों को नुकसान हो रहा है तो, और जिला प्रशासन का इसमें वो हेर फिर भी है, जिला प्रशासन इसकी धान खरीद करा रहा है, तो क्या जिला प्रशासन सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है? बिल्कुल सही कहा, 1750 रुपया धान की खरीद जो रेट है न्यूनतम रेट है, और 1200 1300 हद से कोई बहुत ज्यादा हुआ तो 1400 मिल रहा है लोगों को। अब इसके अंदर क्या है कि गरीब आदमी से राइस मिलर तो खरीद रहे हैं 1200 1300 में, और जब सरकार की खरीद होगी, सरकार पहले नहीं खरीदती है, पहले खुली छुट्टी देती है लूटना लूटो, उसके बाद में सरकार आंकड़े दिखाने के लिए कि हमने खरीद की है और कहां करती है, हाई कोर्ट में करती है, रिट पिटीशन 5112/2000 का जो मेरा है जिसके तहत धान खरीद चालू हुई है, उसमें हर साल उनको दिखाना कितनी धान खरीद हुई है। किसके ये चाहते हो कि किसान जो है खेती छोड़ के भाग जाए, बच्चे वैसे ही खेती नहीं कर रहे। धान के मुद्दे में तो बड़ा स्पष्ट है कि सरकार का रुख सबके साथ मिलकर ऐसा है कि किसान को भगाओ, खेती पता नहीं अडानी अंबानी को देना है, किसको देना है, इन्होंने पूरे हजारों एकड़ दिया है, पर किसान के प्रति इनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है और व्यापारियों के साथ। सर ये तो बात रही किसानों के, केवल धान किसानों की, यदि बात करें ओवरऑल सभी किसानों की, तो जब किसान सरकार से परेशान हो जाता है, सरकार के विरोध में उतर आता है, तो जब सरकार किसान सरकार के विरोध में उतर के कभी संसद के सामने या विधानसभा के सामने आलू फेंकता है, तो कभी सरकार खिलाफ आवाज उठाता है, तो सरकार उन पर कभी गोलियां बरसाती है, कभी सस्पेंड करती है, जेल भेज देती है, तो सरकार की तहना सही है किसानों के साथ कब तक चलती रहेगी? ये सही है, 70 साल हो गए आजादी के और सरकारों की तानाशाही बरकरार है, सरकार कोई भी, एक सरकार होती है तो विपक्ष के लोग हमारे कंधे से बंदूक चलाते हैं उस सरकार के खिलाफ, जब वही विपक्ष फिर सत्ता में आता है तो जो सरकार में था हमारे कंधे से फिर वो भी बंदूक चलाता है सरकार के खिलाफ, ये चल रहा है। पर अब मंदसौर के बाद, मंदसौर में 2017 में जब 6 किसानों को गोली मारी, एक छोटे बच्चे अभिषेक को, 17 साल के बालक को भी गोली मारी, उसके बाद हम लोग खड़े हो गए हैं। देश में अब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई है, 208 किसान संगठन इकट्ठा मुट्ठी बंद हो गए हैं। अब हम देखें किस मुख्यमंत्री में ताकत है गोली मारने के लिए या किसान को बर्बाद करने के लिए कि अब किसान किसान बनेगा। 29 और 30 तारीख में दिल्ली में जो हमारा जमावड़ा हो रहा है किसानों का, पूरे देश के देखने वाला होगा कि किसान किसान बन के आएगा और देश को कहेगा कि हम तुम्हें खिलाते हैं, हमारी इज्जत करना सीखो। हमारे साथ राष्ट्रीय मध्य राष्ट्रीय स्तर पर किसान नेता थे जो लगातार पिछले 10-15 सालों से किसानों की आवाज उठा रहे थे। ईटीवी के लिए शिवम पोरवाल, पीलीभीत।